ऐसा वो हो गया भाई, गांड फट गई भाई, मार। मार्टा निंजा वो है। As a scout ex Mavi fan, never thought we will see scout versus Mavi controversy. यार क्या करें ब्रो, मुझे तो, मैंने पहले भी बोला था ये सारी चीजें अगर बंद कमरे में हो जाती सॉर्ट तो काफी बेटर रहता, बट दोनों ही ऐसे हैं कि ना माने, तो अब हो चुका है तो अभी कोई रोक नहीं सकता। Well, now we know अगर your कोई plan. रोक भी दे अभी really भी चाहूंगा exciting. कि ये चीजें बाहर ना आए भाई, स्काउट और मवी का WWE ही मैच करवाओ। ऐसा लग रहा है घर में दो भाई लड़ रहे हैं आपस में, अब क्या कर सकते हैं, ये घर में लड़ते तो अच्छा रहता, सोशल मीडिया पे वही बात है यार, मतलब देखो पाने के लिए तो दोनों के पास कुछ भी नहीं है, बस खोने के लिए बहुत सारा है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि द ऑडियंस विल जस्ट कैपिटलाइज ऑन इट। सो अभी भी दोनों भाई है अपने, बोलूँगा कि घर की बातें घर पे रहने दो तो अच्छा है, अभी भी मामला सॉर्ट हो सकता है तो बात कर लो, क्योंकि ट्रस्ट में यार फायदा किसी को भी नहीं होने वाला है, फायदा बस जनता को होगा, उनको मजे लेने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन कंटेंट में भी फोकस करेंगे अभी, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा ही होगा स्टोरी नहीं सुना है भाई। अबे हाँ भाई, तुम्हें बताता हूँ भाई, कल तो मैं थोड़ा ऐसे स्ट्रीम, मतलब हमारी जैसे बात तो पहले हो रखी थी ना ये वाली सबकी, मतलब और भाई कि अपन एडमिट में अब और नहीं कंटिन्यू करेंगे ये वो है वो, बट तब तक कोई और नहीं मिला जब तक खेलेंगे। तो कल मैं स्ट्रीम कर रहा था और तभी तुम लोग आके बोलने लगे ना स्ट्रीम पे कि थक भाई ने अनाउंस कर दिया ये वो, और थक भाई भी तो स्ट्रीम करके उन्होंने बोल दिया था, तो मैं स्ट्रीम पे एकदम था और मेरा लाइव एकदम ऐसे आके तुम लोग बोल रहे थे, तो भाई मतलब कल जब वो सब हुआ तो मैंने वो ग्रुप ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाला वो वाला लंबा सा एक है ना, तो भाई उसके बाद एकदम ना भाई ऐसा वो हो गया भाई, गांड फट गई भाई, माँ कसम भाई सीधा एक व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता मेरे को, गोल्ड डिवाइस एडेड यू टू एसएटीएल क्रिएटिव्स, और भाई मतलब भाई, और उसके बाद फिर मॉर्टल भाई ने अपने ब्रॉडकास्ट पे लिखा गोल्ड, मतलब मेरे लिए वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता भाई वो फीलिंग। जो भाई सोल के प्लेयर्स आए क्या बूट कैंप, मैं बूट कैंप पे नहीं हूँ मेरे भाई, बट आई थिंक दे हैव रीच्ड द बूट कैंप एंड उनका शूट वूट चल रहा होगा शायद। भाई गन मार दूंगा कौन है, अरे वो एसपावर है, एसपावर जा रहे सी जी बाप वापिस, निंजा बॉय, निंजा बॉय क्या हो गया भाई, निंजा बॉय खुश है यार अभी। हाँ जी में तो कोई और चले गया, नहीं जी ही बोल रहा हूँ, आर एन टी में तो कोई और चले गया टी एक्स, अब कहाँ जा रही है निंजा बॉय, और भी नहीं बचा है और भी नहीं बचा है, ये सब पीपी के लिए खेल रहे हैं। 60 आईजीएल असॉल्टर कौन है, आईजीएल बेस्ट आईजीएल असॉल्टर ये तो मान्य है यार, एस पावर ने धोखा दिया शोगन के साथ यार, सीजी वालों का डिसीजन है वो कि शोगन को नहीं खेलेंगे, एस पावर का नहीं है। निंजा बॉय सोल जा रहा है, ऐसा है क्या, किरमाड़ा निंजा बॉय है क्या, निंजा जॉट प्लेइंग फ्रॉम मुगो, यस किरमाड़ा स्किप्स है, यस स्किप्स, अब निंजा बॉय किस टीम में जा रहा है, बस हिंट दे दो यार, मैंने जितना सुना वो ओमेगा के साथ खेल रहा है, ओमेगा स्लग निंजा बॉय और साथ में उनके एक और प्लेयर है आर्कलिन भी शायद साथ में है, तो अब मेरे को जिम नहीं पता कहाँ जा रहे वो बीस्ट, हाँ बीस्ट स्लग निंजा बॉय ओमेगा, जितना मुझे पता यार, अब बाकी पता नहीं यार क्या क्या चलता रहता, एक दिन में टीमें चेंज हो जाती। ये 8-bit का फिफ्थ प्लेयर कौन है, 8-bit का फिफ्थ प्लेयर कौन है मुझे नहीं पता यार, 8-bit में निंजा वो जा रहा है, क्या वो नाम है उसका, अरे यार क्या नाम था उसका, अरे वो पंक के साथ खेलता था, एमबॉट जा रहा है, एमबॉट जा रहा है 8-bit में। बस ये कि अगर कोई लाइक अगर कोई तुम्हारा फेवरेट टीम अगर गलती से WSB जा रहा है तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि उनको थोड़ा सतर्क करिए, क्योंकि WSB की पहली टीम तो देखो जैसे बूट कैंप गई और 6 दिन में बूट कैंप से भाग गई, बूट कैंप छोड़ के भाग गई WSB की टीम, आरू वगैरह की टीम की बात कर रहा हूँ मैं, वो गए वो 6 दिनों में WSB के बूट कैंप से भाग गए, फिर लाइक मैंने उनको टेक्स्ट किया था क्यों भागे, मतलब मेरे को उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैंने नहीं सुनी, यही गलती हो गई, बस अगर वो गलती नहीं की होती ना तो बस सब सही होता, वही गलती कर दी कि उनकी बात सुनने के बाद भी ज्वाइन कर ली। लाला गया WSB, नहीं नहीं यार लाला WSB में ना गया,
लाला ये गलती नहीं कर सकता भाई, मतलब मैंने प्लेयर से सुना था कि और में जो है वो मतलब कोच, नहीं कोच तो है ही नहीं, हमने कोच की बात एक बार हमने कोच की बात की थी इनसे कि हमें कोच दिला दो, तो पता है कि हमें क्या रिप्लाई मिला कि कोच असोल्टर की सैलरी मांग रहे हैं, हम कोच हायर नहीं कर सकते। हमने उसके बाद कभी कोच के लिए बोला ही नहीं।